दिन बर्बाद कर देने के बाद हम लोग फाइनली रात में बैठते हैं पढ़ने। और तुम्हें पता होगा अगर तुम दोस्त लोग के साथ होते हो रात में तो तुम में एक अलग सी एनर्जी होती है। बस वही एनर्जी यश में बहुत ज्यादा हो गई थी। हम रात में 10 बजे बैठे थे पढ़ने, उसके जस्ट 15 मिनट बाद यश बोलता है, बस यार अब पढ़ाई बंद करते हैं, मन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है फिर। क्या हुआ, तू नहीं तू बोला बंद करते? अरे तू सो क्यों रहा है, आज अपन मजा करेंगे। भाई तू ऐसे क्यों हंस रहा है, मुझे डर लग रहा है। सुन उधर से नमकीन लेके आ, फियर फाइल्स लगा टीवी पे। भाई ये बंदा पढ़ाई छुड़वा के माहौल बनाने में लगा है। देखते ही देखते रात में 10 से 2 बज जाती है। बट फिर हमें एक आवाज आती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो उसकी तो जान ही निकल जाती कि ये आवाज कहाँ से आई। बट ये हमारा चौकीदार था। तुम लोग के उधर होते या नहीं पता नहीं, बट हमारा चौकीदार रात में 2 से 3 के बीच में आता था, ताकि अगर रात में कहीं पर चोरी हो रही हो तो इसको पता चल जाए। ये बंदा एक तो इतने डरावने तरीके से ठोकता है ना 3 बार, सोचो रात में एकदम सुनसान माहौल और फिर 3 बार ठोकने की आवाज। भाई ऐसा चौकीदार हो तो मैं तो कभी चोरी ना करूं, क्या भूत भूत बुलाता है क्या रात में 3 बार ठोक के। खैर अब हम लोग को आती है चौकीदार की आवाज रात में। एक सेकंड के लिए तो हम सब शांत हो गए। फिर यश बोला, ओए चलो बाहर उसको ऊपर से देखते हैं। मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम चौकीदार को ऊपर से देखते है, वो अपना डंडा ठोक के जा रहा होता है, और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ी दूर जाता है, ये सीटी चौकीदार ने नहीं बजाई थी, ये यश था। हम लोग जल्दी से भाग के अंदर आते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं। हमारी जान निकल चुकी थी, रात में 3 बजे ये बंदा चौकीदार की मजे ले रहा है। चौकीदार के पैरों की आवाज वापस आ रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है। मगर फिर से जैसे ही चौकीदार सीटी बजाता है, उसके बाद यश भी बजा देता है। इस बार चौकीदार समझ जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही होती है सिवाय यश के घर के, और हमको वो चीज पता ही नहीं थी। वो चौकीदार यश के घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और अपने पैरों की आवाज करता है। यश को लगता है वो फिर से चला गया। यश गेट खोल के जैसे ही बाहर निकलता है सीटी बजाने, आ चल देख लिया, अब नीचे आ जा, तेरी सीटी बजाता हूँ, चल जल्दी नीचे आ। हम लोग कसम से इतना तेज भागते हैं घर के अंदर, लाइट बंद करके एकदम शांत, बट वो चौकीदार अब यश का गेट ठोकने लग जाता है जम जम से। हम लोग की बहुत गंदी फट चुकी थी, और यश के घर वालों में से कोई उठ जाता ना, हमारा तो खेल ही खत्म हो जाना था। मगर थोड़ी देर बाद वो चौकीदार अपने आप चला जाता है, मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ। भाई उस दिन रात भर नहीं सोए थे हम लोग। बट क्या, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मारना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।